Assalamu alaikum students, I hope you will be fine. Welcome to online classes of Knowledge City Islamic School. Students, today we are going to study social studies in grade 1. Grade 1 students, open your books of social studies and come with me on page number 12. On page number 12, students, we have unit 5, My School. Students, we already understand this unit in part 1. Now in this part, we will do its exercise. So students, come on exercise. First we have question answers. Students, question answer I wrote for you on board and I will show you in last of video. Now come on page number 13. Here we have some more questions, students. Let's we discuss them. Answer these questions. First question we have, students, why do you go to school? Aap school kyun jaate hain? Answer is, we go to school to learn many things. Hum school mein bahut si cheeze seekhne ke liye jaate hain. Students, aap isko book par hi complete kar liye, fill kar lijiyega. Why do you go to school? We go to school to learn many things. Second one we have, name three subjects which you read at school. बच्चों यहाँ पर आपको तीन subjects के नाम लिखने हैं जो कि आप school में पढ़ते हैं. English, Math, इस्लामियात, उर्दू, SST, Science, Computer. आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी के, कोई से भी तीन subjects के नाम लिख लें. Third one we have, who is your class teacher? Students, here you write your class teacher's name. My class teacher name is, जो भी आपके टीचर का नाम है बच्चों यहाँ पर आप अपने टीचर्स का नाम लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इज, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है. अवर स्कूल नेम इज नॉलेज सिटी इस्लामिक स्कूल. सो यू राइट, माय स्कूल नेम इज नॉलेज सिटी इस्लामिक स्कूल. स्टूडेंट्स कम ऑन पार्ट 2. व्हाट आर दिस? हियर यू हैव सम पिक्चर्स. स्टूडेंट्स यू राइट देयर नेम्स. फर्स्ट यू हैव पेंसिल, बैग, बॉल, शार्पनर, बुक और डायरी, रेजर, ग्लोब. स्टूडेंट्स यू मस्ट राइट देयर नेम बाई योर सेल्फ. नाउ इन लास्ट स्टूडेंट्स वी हैव टिक द करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पर बच्चों हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमने उनके आगे टिक और क्रॉस का निशान लगाए हैं. जो हमें स्टेटमेंट से ही लग रहा है उस पर हम टिक और जो गलत है उसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव, वी डू सम्स एट स्कूल. या हियर वी राइट टिक. वी डू रीडिंग एंड राइटिंग एट स्कूल. वी डू रीडिंग एंड राइटिंग एट स्कूल. या हम लोग पढ़ते और लिखते हैं स्कूल में, टिक. वी डू प्ले इन स्कूल, हम स्कूल में खेलते हैं. सॉरी, वी डू नॉट प्ले इन स्कूल, हम स्कूल में क्या नहीं खेलते? क्रॉस, हम स्कूल में खेलते हैं. ब्रेक टाइम में आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं बच्चों, तो वी डू प्ले इन स्कूल. वी डू नॉट लर्न गुड मैनर्स एट स्कूल, कि हम स्कूल में अच्छे आदाब नहीं सीखते? क्रॉस, हम अच्छे आदाब सीखते हैं. हम इसलिए तो स्कूल जाते हैं ताकि हम अच्छे आदाब सीख सकें. We do not do drawing in school. कि हम स्कूल में ड्राइंग नहीं करते हैं? क्रॉस, हम स्कूल में ड्राइंग करते हैं. We do respect our teachers. Yes, हमें अपने स्कूल हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और हमें करनी चाहिए, टिक. We do not play games in school. कि हम स्कूल में गेम्स नहीं खेलते? क्रॉस, हम स्कूल में गेम्स खेलते हैं. जो थोड़ी बहुत हम खेल सकते हैं लाइक पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, क्रिकेट टैग, कुछ भी. ओके स्टूडेंट्स, हेयर वी राइट क्रॉस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू क्वेश्चन आंसर फ्रॉम बोर्ड. यू मस्ट कॉपी देम ऑन योर नोटबुक्स. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, हु आर जावेद एंड मारिया? आंसर इज, जावेद एंड मारिया आर सिबलिंग्स और ब्रदर और सिस्टर्स. सेकेंड क्वेश्चन वी हैव इज, वाई डू दे गो टू स्कूल? वो स्कूल क्यों जाते थे? आंसर नंबर 2 इज, दे गो टू स्कूल टू लर्न मैनी थिंग्स. वो स्कूल में बहुत सी चीजें सीखने के लिए जाते थे. आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डू दे लर्न एट स्कूल? आंसर नंबर 3 इज, दे लर्न टू रीड एंड राइट एट स्कूल. वो स्कूल में क्या सीखे? वो स्कूल में पढ़ना और लिखना सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज, नेम सम ऑब्जेक्ट्स यू लर्न. क्वेश्चन नंबर 4 इज, नेम सम सब्जेक्ट्स यू लर्न. आंसर नंबर 4 इज, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, ड्राइंग, मैथ, SST, ETC. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं जो जो आप स्कूल में लर्न करते हैं. कोई भी से भी सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम आपने यहाँ पर लिख देने हैं. बच्चों यहाँ पर हमारा आज का सबक खत्म होता है. मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का सबक समझ में आ गया होगा. बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बुक से देखने हैं और आंसर आपने बोर्ड से देखकर अपनी नीट कॉपी में खुशखत उतारने हैं, नीट एंड क्लीन. यहाँ पर बच्चों आज का हमारा सबक खत्म होता है. उम्मीद है आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा. अपना ख्याल रखिएगा बच्चों. अल्लाह हाफिज़.